अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। आज निकल पड़े हैं पिकनिक में जाने के लिए, तो कहाँ चल रहे हैं? ब्लॉग में ज़रूर बने रहिए मेरे साथ। लोगो देखकर तो समझ ही गए होंगे KGN एंटरप्राइज। जी हाँ, KGN एंटरप्राइज की तरफ से आज था पिकनिक। जी हाँ, अलीना के बड़े पापा का ये बिज़नेस का नाम है KGN एंटरप्राइज। इंटीरियर डिज़ाइनिंग का काम होता है, तो आप लोग ज़रूर आके मिले और अच्छे अच्छे इंटीरियर के काम ज़रूर करवाएं। खड़गपुर इन द विद्यासागरपुर KGN एंटरप्राइज, उनका खुद का वर्कशॉप एंड ऑफिस दोनों है, तो ज़रूर आकर विज़िट करें। और उनके इस इतना प्यारा सा जो पिकनिक उन्होंने दिया था, उसका पूरा ब्लॉग में बने रहे मेरे साथ। तो हम सब चल पड़े हैं झाड़ग्राम पिकनिक। अलीना के पापा और अलीना के अब्बू नहीं जा रहे हैं, तो हम सब चल रहे हैं बड़े पापा के साथ पिकनिक। तो हम सब आ पहुँचे हैं पिकनिक डियर पार्क, जो पार्क के बाहर में हम लोगों ने खाना वगैरह बनाने के लिए स्टे किया हुआ था। और आते साथ हम लोगों ने खाया अंडा, उबला हुआ अंडा, केला, चिकन पकौड़ा और गर्मी में, फर्स्ट गर्मी में कोल्ड ड्रिंक। गला मेरा बैठा हुआ है, रात में आके भी ब्लॉग एडिट कर रही हूँ तो फील कर रही हूँ कि आवाज़ बैठ चुका है, इतना ज़्यादा मैंने कोल्ड ड्रिंक आज पी लिया है। तो मेरा माहिर जो गाड़ी में आया था, वेजिटेबल्स, चिकन, चावल, टेबल, सारे स्टाफ एंड वो गाड़ी में उठ के मज़े से खा रहा है। और यहाँ बड़े बेटे रेहान चले हैं टी शर्ट पहनकर। और ये पार्क हम आ पहुँचे हैं, यानी पार्क के बाहर खाना बन रहा है, ये है पार्क। ये पार्क कम जू ज़्यादा था। और ये भी भाई की स्टाफ है हमारे साथ, इस वीडियो में बनी रहेगी। तो हम सब बाहर खड़े थे, टिकट जल्दी जल्दी बना रहे थे भाई लोग, और हम चले हैं जंगल माहौल जुलॉजी पार्क। तो ये पार्क कम जू ज़्यादा था। और यहाँ पे बच्चे लोग पहले दौड़े दौड़े दौड़े, क्योंकि यहाँ पे था डीफो डियर। जी हाँ, ब्राउन ब्राउन डियर, बहुत पतली थी, यानी स्लिम स्लिम थी। यहाँ पे खाना पीना का ध्यान बिल्कुल सही से रखा नहीं जा रहा है जानवरों का, देख के ही हालत आपको समझ में आ जाएगा। और रेहान बाबू फ़ोटो ले रहे थे, रिदान बाबू भी। अलीना तो पिकॉक को देखकर इतना एक्साइटेड हो रही थी, उसको पिकॉक देखना बहुत पसंद है। तो यहाँ देख सकते हैं आप सब किस तरह छोटा छोटा सा पिकॉक था यहाँ पे, देखा दिखाई पड़ा ना, ब्लू एंड ग्रीन पिकॉक, यानी मोरनी। मोर नाचता है कि मोरनी, मालूम नहीं वो मोर था या मोरनी, वो भी नहीं मालूम ये जानवर क्या था, पर मुझे पता ही नहीं चला। गाय लग रहा था, गधा लग रहा था, समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या जानवर है। तो ये पार्क कम फिल्म सिटी ज़्यादा लग रहा था। इसको अगर फिल्म सिटी के लिए छोड़ देना, जंगल का एक सेटअप बना के, तो बहुत अच्छा चलने वाला है, क्योंकि बिल्कुल भी यहाँ पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। देख के ही लग रहा था, पत्ता इतना सारा जमा हुआ था, जानवरों का हालत भी बहुत बुरा था। जो भी हो, जगह सही नहीं था, लेकिन हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि घर में बेकार बैठे बैठे से तो अच्छा पिकनिक मना के आना विदाउट हस्बैंड। और ये था नीलगाय, इसका स्टैम्प लिखा हुआ था तो मैं जान गई, लेकिन वो स्टैम्प नहीं था तो जान नहीं पाई क्या है। ये है टर्टॉइज एंड टर्टल, दोनों दो साइड में था, तो टर्टल्स एंड टर्टल दोनों को अलग अलग से हम लोगों ने देखा और फ़र्क भी जाना कि दोनों का नाम थोड़ा मोड़ा मिलता है, तो क्या हुआ, कलर भी दोनों का थोड़ा मोड़ा मिलता है। एक होता है लाइट एश कलर टाइप का और एक होता है ब्लैक कलर का। तो वो था टर्टल और यहाँ पे है टर्टल्स। अलीना तो बहुत खुश हो गई देख के, अलीना डरी थी, वो बड़ा वाला चिपकली टाइप का था उसको देख के डरी थी, बाकी सबको अलीना ने इन्जॉय किया। ये थोड़ा अजीब सा एक था, मतलब मैं खुद इसका नाम नहीं जानती हूँ, मगरमच्छ टाइप का, चिपकली का, बड़ा वाला चिपकली जैसा था। तो हमारा मेदनापुर में जिस तरह शिशुधन पार्क है, उसी टाइप का ही बड़ा वाला था। और ये ऑस्ट्रिच जैसा था, लेकिन ये ऑस्ट्रिच नहीं था, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये लोग यहाँ पे ऑस्ट्रिच को रखेंगे। और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे बहुत सारा वो था, क्या बोलते हैं उसको, खरगोश था। और ये अलीना चली, और इतना ज़्यादा धूप था और मैंने मास्क भी नहीं पहना, तो मैं अपना फेस को कवर कर रही थी, बहुत ज़्यादा धूप था, टैन तो होना ही था सबको। और ये था रैबिट का बच्चा, लोग इतना प्यारा प्यारा, माहिर बोल रहा था मैं कैरेट नहीं लाया, तो उसको मालूम हो गया पढ़ा पढ़ा के जो रैबिट खाता है कैरेट।
और ये बाकी जानवरों को तो नाम ना ही स्टैम्प था और ना ही मैं खुद पहचान पाई, लेकिन 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 मेरी बेटी को सब जानवरों का नाम मालूम था क्योंकि वो देखती है जंगल बुक मोगली। तो वो खुद ही बोल रही थी, अम्मी ये हमको मुझे मालूम है, ये मोगली में रहता है। तो मोगली में जो नाम है वो कैरेक्टर के साथ वो पूरा बता दे रही थी। तो ये सारा जानवर हम लोगों ने देखा, यहाँ पे था। सबसे डरावना जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है वो है भालू। जी हाँ, बियर। मुझे टेडी बियर भी पसंद नहीं और बियर भी पसंद नहीं, मुझे बियर बिल्कुल नहीं पसंद, मुझे बहुत डर लगता है। और ये छोटा सा था झूला वाला प्लेस जहाँ बच्चे लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय किया और बच्चे के साथ दो तीन बड़े भी खूब इंजॉय किया। मैं वो ब्लॉग में ली हूँ लेकिन यहाँ पे नहीं डाली हूँ, वीडियो ली हूँ लेकिन ब्लॉग में नहीं डाली हूँ। तो मेरे घर के बड़े लोग भी खूब इंजॉय किए हैं। तो ये था चीता, पतला दुबला ठीक माहिर जैसा। और ये थी अलीना, झूला अलीना खूब इंजॉय करी। नहीं तो जब भी हम लोग रेलवे गार्डन जाते हैं तो भीड़ होता ही है, तो ये झूला में अलीना खूब इंजॉय करी, साथ में माहिर भी। और ये सबको गाइड कर रही थी सायना और शायबा। तो चाचू नहीं थे, मुझे ये फील होने का बिल्कुल भी मौका नहीं दी। और छोटू भी था, बहुत अच्छे से ड्राइव करके ले गया और ले आया। और ये सब छोटा सा पॉन्ड था, लेक टाइप का था, बहुत अच्छा था। और यहाँ पे भी था ऑस्ट्रिच, ये भी ऑस्ट्रिच था कि कुछ और था मुझे नहीं समझ आया। तो ये सारा हम लोगों ने घूमा और खाया पिया तो माशाल्लाह भाई सब कुछ खाना का बंदोबस्त बहुत अच्छा से किए थे। तो अलीना बड़ा खुश हो रही थी, आज पापा नहीं थे लेकिन फिर भी बहुत खुश हो रही थी। और यहाँ पे आ रहा था चीता, जी हाँ चीता आ रहा था। चीता को चलते हुए देखा तो बड़ा मज़ा आया, एग्जैक्टली चलते हुए उसको देख के ही मज़ा आया। जो और एक चीता सोया हुआ था उससे मज़ा नहीं आ रहा था। तो हम चले हैं ब्लॉग में। इतना ज़्यादा धूप था कि मैं अपना फेस को कवर कर रही थी, देख रहे हैं ब्लॉग में चल रही थी, मास्क नहीं था तो मैं कंफर्टेबल भी नहीं हो रही थी वीडियो को बनाने के लिए। स्मेली था, बहुत ज़्यादा स्मेली था। और ये बियर को सामने से मैंने फिर से कैप्चर किया। तो ये सारा ब्लॉग में हम दिखा रहे थे, तो आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट करके। नाम है रोशनी और ये आफरीन को तो आप सब जानते ही होंगे, है ना। आफरीन इतना घूम के आई है गोवा से, फिर आ गई है घूमने के लिए। कितना घूमती है ये लड़की, है ना। धूप से काली हो गई है, टैन इतना चेहरा में पड़ गया लेकिन घूमना नहीं बंद हो रहा उसका। रात 12 बजे आई है गोवा से, फिर भी घूमने को आ गई है। फ्राइड राइस का खुशबू से आ गई है ना आफरीन। और यहाँ पे कुकिंग का तैयारी चल रहा था। जो हमारे आज के बावर्ची थे समी भाई, जो माहिर अलीना के अकीका में भी खाना उन्होंने ही बनाया था, वो सारा लंच रेडी कर रहे थे। साथ में और एक लेडी थी जो हेल्प कर रही थी। तो खाना वगैरह सबका अच्छा मेन्यू था। मेन्यू में था सलाद, चिली पनीर, चिकन, रसगुल्ला, पापड़, फ्राइड राइस। तो बहुत मज़े से हम लोगों ने खाया, लड़के लोग खूब सारा खेले, बच्चे लोग खेले, हम लोगों ने फ़ोटो वीडियोस लिया। तो बहुत अच्छा लगा, मज़ा आया। ये ज़िंदगी का पल जाने वाला है, बस ये कुछ कुछ अच्छे अच्छे पल याद रह जाते हैं। तो इसीलिए ये है हमारा खीजर एंटरप्राइज़ का अपना स्टाफ। तो इन लोगों ने सब अपना अपना टी शर्ट पहन के फ़ोटो क्लिक किया और सब खेल रहे थे और बहुत मज़ा आ रहा था। और हमारे वीरू भाई और छोटू तो हेलमेट लगा कर खेल रहे थे, लग ना जाए। तो ये आप लोग भी ज़रूर गौर करके देखें। हाँ, ये था शायद छोटू था, या हाँ छोटू ही था। और ये माहिर खेल रहा था आपा के साथ में बैडमिंटन, आपा यानी उसकी बड़ी अम्मी के साथ में। तो ये हम लोग लंच करने के लिए बैठे, लेग पीस था और था पापड़। तो बहुत कुछ था खाने को माशाल्लाह, और बहुत स्वादिष्ट भी था। तो जाकर बहुत 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 मज़ा आया। अगर हस्बैंड के चक्कर में रहती तो मिस कर जाती। तो ये हम लोग खा पी के निकले और सामने में था एक मेला। मेला में गए, रेहान बाबू को देखो मास्क लगा के घूम रहा है। तो लोहा का सामान वगैरह ज़्यादा दिखा, इयर रिंग्स वगैरह, ज़रा मेरा इयर रिंग्स ली और एक मैं ली हूँ लोहा का कड़ाही। जी हाँ, तो जाकर झाड़ग्राम बहुत बहुत अच्छा लगा। झाड़ग्राम को ये वाला मार्केट बहुत अच्छा था, यहाँ सरस्वती पूजा हो रहा था, यहाँ पे मैंने देखा रिलायंस का ट्रेंड भी खुला हुआ है। तो बहुत और एक मॉल भी खुला हुआ था, तो डेवलप कर रहा है।
वैसे मेरे अब्बा का बाप का गांव है थोड़ा ही दूर में झाड़ग्राम से, लेकिन हम लोग रहते हैं खड़गपुर में। तो ये झाड़ग्राम से हम आ पहुँचे खड़गपुर। आज का ट्रिप बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच KGL एंटरप्राइज के ओनर को मैं बोलना चाहूँगी। और ऐसे ही सब खुश रहिए, खुशियाँ बांटे, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।